शांति 19 अक्टूबर। बाबा आज बार बार हमें देही अभिमानी बनने की शिक्षा दे रहे हैं। कहा बच्चे तुम बार बार आत्मा होने की प्रैक्टिस करो, ये मेरा शरीर है, मैं आत्मा हूँ, इससे तुम पुण्य आत्मा बन जाओगे। ये आत्मभिमानी बनाने का हुनर केवल एक बाप ही सिखाता है, क्योंकि वो स्वयं निराकार है, उसको अपना देह है ही नहीं। वही ब्रह्मा तन में आता है, उसको रथ तो चाहिए, तो कह रहे हैं मैं किस रथ में आऊं, तो ये भागीरथ है ब्रह्मा का तन, इसका नाम भी रख दिया है ब्रह्मा, क्योंकि ब्राह्मण चाहिए यज्ञ संभाल करने के लिए। इसके द्वारा मैं तुम ब्राह्मणों को एडॉप्ट करता हूँ। तो बाबा हमें बार बार शिक्षा दे रहे हैं। कई बच्चे कहते हैं हमारा योग नहीं लगता, तो मेहनत करो आत्मविमानी होने की, क्योंकि आत्मविमानी नहीं होते, देह अभिमान रहता है, इसलिए योग नहीं लगता। तुम आत्मविमानी होंगे, बाबा को याद करेंगे, तो वर्षा भी याद रहेगा, बहुत खुशी रहेगी, देवी गुण भी आएंगे और तुम पावन भी बन जाओगे, क्योंकि वर्षा है हमारा मनुष्य देवता बनना, देव स्वरूप हमारा भविष्य है, तो हम पवित्र हो जाएंगे देवताओं जैसे, देवी गुण भी हमारे अंदर आते जाएंगे। तो हम इस मुरली से सीख लें, जिनका योग नहीं लगता वे बार बार कुछ दिन तक मैं आत्मा हूँ, इस तन में प्रवेश किया है मैंने, मैं प्रकृति की कुटिया में बैठी हूँ, आंखों से देख रही हूँ, हाथों से काम कर रही हूँ, ये प्रैक्टिस करने की धुन लगा दें कुछ दिन, तो हमारी आत्मविमानी स्थिति बनती जाएगी, इससे बुद्धि एकाग्र होगी, व्यर्थ चिंतन समाप्त होगा, मन की स्पीड शांत होगी और हम योग युक्त रह सकेंगे, क्योंकि योग में ही तो परम सुख है। और अगर हम देह अभिमान में रहे, जन्म जन्म का देह अहंकार रहा, तो फिर कभी भी योगी नहीं बन पाएंगे। बाबा याद दिला रहे हैं कि धीरे धीरे पाप करते करते अब तुम्हारा पाप का घड़ा पूरा भर गया है, योग बल से ही इन पापों को तुम्हें नष्ट करना है, पापों को नष्ट करने का और कोई तरीका नहीं है, तुम्हें योग का अभ्यास करना, मुझे याद करना, लेकिन उससे पहले अपने को आत्मा समझना है। तो बाबा बार बार हमें ये प्रैक्टिस करा रहे हैं। दूसरी पॉइंट है, तुम्हें बहुत खुशी रहेगी यदि तुम ड्रामा को याद रखेंगे। ड्रामा के ज्ञान से हम अथाह खुशी में रह सकते हैं। हर एक का इस ड्रामा में अपना अपना पार्ट है, हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है, ये बना बनाया ड्रामा है 5000 वर्ष का, बाबा इसका डायरेक्टर और क्रिएटर है, हम सब इसके एक्टर हैं, ये हम याद करते चलें। अब ये ड्रामा का खेल पूरा हो रहा है, अब हमें देह और देह के संबंध इस पुरानी दुनिया को छोड़कर घर वापिस जाना है। ऐसे नहीं कि हमें संन्यास लेकर जंगल में जाना है, नो, हमें ये पुरानी दुनिया छोड़कर अपने घर वापिस जाना है। तो अगर हम देही अभिमानी होंगे तो ड्रामा की भी स्मृति रहेगी और हमें घर जाने की भी याद रहेगी, इससे हम बहुत खुश रहेंगे। तो ड्रामा की कुछ बातें, ड्रामा का संपूर्ण ज्ञान हमें प्राप्त है, ड्रामा की कम से कम 5 बातें हम सदा ही अपने पास रखा करें। जैसे ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है, जो कुछ कल पहले हुआ था वही हो रहा है, नथिंग न्यू, हल्के हो जाएंगे इससे, जो बुरा भी कुछ हो गया है उसको हम भूल जाएं, क्योंकि वो 5000 साल से पहले दोबारा नहीं होगा। ऐसी कुछ बातें, सब आत्माओं का इस ड्रामा में अपना अपना भाग्य है, यहाँ किसी को कोई दोष नहीं दिया जा सकता, सबका फिक्स पार्ट है। तो ऐसी बातें याद रखेंगे तो स्थिति भी बहुत अचल डोल रहेगी और हम खुशी में बहुत रहेंगे, कोई मिस्टेक भी हमसे नहीं होगी। आत्मविमानी बनने का पैमाना क्या होगा, हम चेक कर सकते हैं अपने को कि आत्मा के जो 7 गुण हैं
वो हमारे जीवन में आते जाएंगे, हम उनका स्वरूप बनते जाएंगे। इसको कहा जाएगा आत्मविमानी स्थिति। केवल मैं आत्मा हूँ ये नहीं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ तो हमारी शांति बढ़ती जाएगी। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, सब आत्माओं से प्रेम बढ़ता जाएगा, घृणा ईर्ष्या द्वेष समाप्त होती जाएगी। मैं आत्मा परम पवित्र हूँ तो प्योरिटी की पावर बढ़ती जाएगी। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ तो सुख बढ़ता जाएगा। ऐसे नहीं हम आत्मा आत्मा भी कर रहे हों और दुखी भी रहते हों, नो, हमारा सुख बढ़ता जाएगा। हम बहुत शक्तिशाली हैं तो शक्तियाँ बढ़ती जाएंगी। तो इस पैमाने से हमारी खुशी बढ़ती जाएगी, हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा। ये सातों गुण हमारे जीवन में स्वरूप ले लेंगे, हम इनका स्वरूप बन जाएंगे, फिर हमें ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी। तो भिन्न भिन्न रूप से हम इसकी प्रैक्टिस करते चलें। रामा के ज्ञान को याद करके हम बहुत हर्षित रहें और कोई ऐसा विकर्म हमसे न हो जो बाबा का नाम बदनाम हो या जिससे कहीं डिसर्विस हो। तो आत्मविमानी होने की प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी बहुत नेचुरल होता जाएगा। वरदान बहुत गुह्य है, पवित्रता का वरदान हमें बाबा से लेना है तो पवित्रता नेचुरल और सहज हो जाएगी। बाबा याद दिला रहे हैं कि कई बच्चों को पवित्रता बहुत कठिन लगती है। उसका कारण है कि जो इस ब्राह्मण जन्म का एक आदि वरदान है वो बाप से लिया नहीं है। तो हम रोज सवेरे कुछ दिन तक परम सद्गुरु से ये वरदान लिया करें संपूर्ण पवित्रता का। कैसे? सूक्ष्म वतन में चलें, अपने को फील करें हम बाप दादा के सम्मुख हैं, वे हमारे परम सद्गुरु हैं। उन्होंने मस्तक पर तिलक लगाया और हमारे सिर पर हाथ रखकर वरदान दे दिया, बच्चे संपूर्ण पवित्र भव। बस इतना रोज एक बार करेंगे और इसको स्वीकार करेंगे तो पवित्रता हमारा नेचुरल संस्कार बनता जाएगा और इस पवित्रता का बहुत बड़ा सुख हमें मिलता जाएगा। बाबा हमें हमेशा ट्रस्टी बनने के लिए कहते हैं, ये स्लोगन है। तो ट्रस्टी वही है जिसके अंदर एक विश्व की सेवा करने की एक श्रेष्ठ भावना हो मन में, तो कहीं भी फंसेंगे नहीं, अपनापन समाप्त हो जाएगा। तो आज सारा दिन अनेक बार बहुत अच्छे अनुभव करने के लिए हर घंटे में 5 बार मैं आत्मा हूँ, मस्तक सिंहासन पर विराजमान हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ, ये अभ्यास करेंगे तो शाम तक ही मन के शांत होने का सुंदर अनुभव होगा। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.